नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सबका स्वागत करती हूँ कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं लेकर आती हूँ वेज रेसिपीज़ जो कि बहुत हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ और टेस्टी भी बनते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पनीर माखन वाला, जो कि पनीर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसके लिए हमने लिया है 150 ग्राम पनीर, जिसके क्यूब्स हमने काट लिए हैं, और ये है हाफ ग्रीन कैप्सिकम, जिसके पतले हिस्से हमने काट लिए हैं, और ये 3 चम्मच मगज के बीज है, जिसे मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, और ये 1 प्याज है जिसके स्लाइसेस कट कर लिए हैं, और ये 2 बड़े टमाटर है जिसके हमने क्यूब्स काट लिए हैं, और ये लहसुन की कलियाँ है 4-5, दालचीनी है, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसके पतले पतले हिस्से काट लिए हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसके बड़े हिस्से काट लिए हैं, और 2 हरी मिर्च है जिसके पतले पतले भागों में हमने काट लिया है, लंबे भागों में, और 2 इलायची का है, और हम लेंगे बटर 2 चम्मच। ये होममेड बटर है। इसकी रेसिपी की लिंक जो है वो मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे ज़रा सर्दी जुकाम है तो मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे आगे। अब हम यहाँ 1 कप पानी लेते हैं, एक पैन में बैठा देते हैं, थोड़ा गर्म होने देते हैं इसे, और इसमें ऐड करते हैं टमाटर और कटे हुए प्याज, और इसमें ऐड करेंगे लहसुन, इलायची, अदरक कटे हुए और मिर्ची कटी हुई। ये अदरक के जो बड़े टुकड़े हैं वो डालेंगे हम, और ये लहसुन इसी तरह ही डाल देंगे, ये पक जाएंगे, और ये जो दालचीनी का टुकड़ा उसे मैंने और भी छोटे हिस्से कर दिए है ताकि वो आसानी से पक जाए। तो इतना डालने के बाद हमने इसमें डालना है मगज के बीज। आप यहाँ पे काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10-12 काजू आप भिगो कर रख दीजिए 1 घंटे के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मूंगफली के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च ऐड करें, आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और 1 चम्मच बटर इसमें ऐड करना है। ये बटर इस डिश का बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे डालिए, और इससे ही इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आने वाला है, बहुत ही टेस्टी बनता है इसे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे बस, और थोड़ा ढक देंगे ताकि ये फटाफट बॉयल हो जाए, थोड़ा नमक डालेंगे ताकि ये फटाफट गले। तो मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, और इसे थोड़ा मिक्स कर देते हैं। और इसे ढक देंगे, और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाए हम फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर फिर 20 मिनट तक के लिए इसे पकने देंगे। तो देखिए ये बॉयल हो गया है, और इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और फिर ढककर इसे लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकने देंगे, और बीच बीच में इसे थोड़ा चला देंगे, और चेक भी करेंगे कि पानी सूख तो नहीं गया है। अगर सूख गया हो तो और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये गल गया है, देखिए अच्छे से गल रहा है, और ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी इसलिए है क्योंकि हमने इसे पहले फ्राई नहीं किया ऑयल में, इसे हम बॉईल करके बना रहे हैं। तो ये बॉईल होके रेडी हो गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं, थोड़ा पंखे के नीचे रख के हम इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें मिक्सी में इसे पीसना है तो ठंडा करके पीसेंगे, क्योंकि आप जब भी किसी मिक्सी में आप पीसते हो तो वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है कुछ भी पीसे हम, तो इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे पहले, नहीं तो बहुत ही गर्म हो जाएगा हमारा जार। तो हमने इसे ठंडा कर लिया है, और अब
मिक्सर जार में डाल देंगे। मैं बड़े वाले मिक्सर जार में पीस रही हूँ क्योंकि थोड़ा पानी भी इसमें ऐड करेंगे और ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहे तो चटनी जार में भी आप कर सकते हैं, अगर आप मैनेज कर पाते हैं ज़्यादा पानी डालकर। तो मुझे लगता है थोड़ा पानी डालने के बाद जब मिक्सी चलने लगती है तो ओवरफ्लो होने लगता है, इसलिए मैं बड़े वाले जार में डाल रही हूँ। थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि आसानी से पीस जाए। तो इसे हम पीस लेंगे और थोड़ी ज़्यादा देर के लिए पीसेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला जार है और ज़्यादा देर तक पीसने से ये आसानी से अच्छे से पीस जाता है। और अब हम इसे एक बॉल में निकालेंगे। हाँ, लेकिन निकालने के पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इसे स्ट्रेन करना इस रेसिपी के लिए। इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो भी भाग पिसे नहीं हैं या गोटे रह गए हैं वो सब अलग हो जाए। और ये बहुत ही थिक है पेस्ट, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करके इसे स्ट्रेन करेंगे ताकि आसानी से स्ट्रेन हो जाए। पहले पहले आपको लगेगा कि ये तो स्ट्रेन ही नहीं हो रहा, बहुत थोड़ा सा स्ट्रेन हुआ है, लेकिन आप जब थोड़ा सा पानी डालकर इसमें मिक्स करेंगे और चम्मच से थोड़ा इस तरह से चला देंगे तो बहुत ही आसानी से स्ट्रेन हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, फटाफट हो जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से स्ट्रेन करना है, जैसे जैसे चलाते जाएंगे स्ट्रेन होते जाएगा ये पेस्ट। और तब तक स्ट्रेन करेंगे जब तक कि पूरा लिक्विड नीचे ट्रांसफ़र नहीं हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से स्ट्रेन हो गया है और ये जो पेस्ट बचा है आप इसको किसी भी चटनी बनाने में या फिर दोबारा इसे थोड़े पानी के साथ मिक्स करके पीसने के बाद किसी भी सब्जी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लेवर है। लहसुन, अदरक, दालचीनी, इलायची, टमाटर, प्याज, बटर, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लेवर है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे आप फेंक नहीं सकते क्योंकि इतना टेस्टी है, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगी फेंकने के लिए। तो ये स्ट्रेन हो गया है और अब मैं इस सॉलिड पार्ट को हटा देती हूँ और जो ये क्रीम वाला पार्ट बचा है इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। देखिए कितना क्रीमी है, कितना ही ये महीन है। एक चम्मच तेल हमने ऐड किया है पैन में क्योंकि हमें कैप्सिकम को सॉल्ट करना है और कैप्सिकम को हमें बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस मिनट के भीतर ही सॉल्ट हो जाता है। और तब तक सॉर्ट कीजिए जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, चेंज ना हो कलर, सॉरी कलर चेंज नहीं होना चाहिए, कलर चेंज होने के पहले ही निकाल दीजिए। तो ये सॉर्ट हो गया है और हमने इसे निकाल दिया है। देखिए इसका कलर बिल्कुल ग्रीन ही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर और इस बटर को पिघल जाने दीजिए। और पिघलने के बाद इसमें हमने ऐड किया है मिर्ची और अदरक के कटे हुए हिस्से और इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को लो करके फ्राई करेंगे, नहीं तो ये मिर्ची बहुत ज़्यादा छींटे मारेगी। तो हमने फ्राई कर लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे अब जो हमने ग्रेवी को स्ट्रेन करके अलग किया है वो ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया है इसे, अब थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना क्रीमी लग रहा है और कितना यूनिक लग रहा है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम मिर्ची ऐड करते हैं 1/4 स्मॉल स्पून और हल्दी भी 1/4 स्मॉल स्पून ऐड करते हैं और गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच। ये सब डालकर हम इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे। इसमें धनिया जीरा डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले इसमें डालने की नहीं ज़रूरत है, ऑलरेडी इसमें बहुत सारा फ्लेवर है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये ऐसे ही। तो थोड़ा इसे बॉयल होने देते हैं। जैसे ये बॉयल होने लगे इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर के क्यूब्स और पनीर के क्यूब्स डालकर हम इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे और लगभग 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इसमें आप और ज़्यादा टमाटर और ज़्यादा कैश्यू सीड्स या फिर मस्कमेलन सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप 4 टमाटर का इस्तेमाल कीजिए और आप 1 कप मस्कमेलन सीड या फिर कैश्यू का इस्तेमाल कीजिए।
तो अभी मैंने इसमें नमक डाला है आधा छोटा चम्मच, क्योंकि पनीर में नमक नहीं है और हमने थोड़ा सा नमक डाला था पहले। और अब इसमें ऐड कर देंगे जो सॉर्ट किया हुआ कैप्सिकम है वो, और ये कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी लगभग 2 चम्मच लेंगे और उसे हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। ये कसूरी मेथी भी बहुत ही लाजवाब टेस्ट लाती है सब्जी में, बिल्कुल यूनिक हो जाती है आपकी सब्जी। आप इसे ऐड कीजिए और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून हनी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए, नहीं तो मत ऐड कीजिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं 1/4 स्पून। और इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे और अब बिल्कुल तैयार है। बस 30 सेकेंड के लिए हम इसे पका लेंगे चलाते हुए। और इसमें अब फाइनली ऐड करते हैं हम क्रीम, लगभग 2 चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। ये घर का क्रीम है इसलिए थोड़ा थिक है, आप मार्केट वाला यूज़ कर रहे होंगे तो थोड़ा पतला रहेगा, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों ये बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। और आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, या फिर नान के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत अच्छा जमेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सबको बहुत पसंद आता है ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बहुत ही दिल से बोल रही हूँ कि ये बहुत पसंद आने वाला है सबको। तो हमने इसे निकाल लिया है एक बॉल में और इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। मैं यहाँ पे सॉर्ट किए हुए कैप्सिकम और क्रीम से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो धनिया पत्ता से गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी दिख रही है और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार आता है इसका। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।